मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं रोज़ के ब्लॉग में आप लोग से यही कहती हूँ, पर डे बाई डे ठंड बढ़ रही है। सुबह उठ के सारे काम करके ऑफिस जाना और फिर ऑफिस में 10 घंटे ठंड में बैठना, ओ माय गॉड। मुझे पहले बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, मम्मी लोग बोलती थी कि लिफाफा बनी रहती हो, अब तो मैं इतना मोटा मोटा पहने रहती हूँ तब भी ठंड लगती है। भाई मुझे लगता है मैं ओल्ड होती जा रही हूँ। जब ठंड मुझे इतनी ज्यादा लग रही है, गौरव जी बोले तुम बुढ़ा गई हो इसीलिए तुमको ठंड ज्यादा लगती है। पर चलिए, आप लोग ख्याल रखिए अपना और बस स्टार्ट करते हो अपने सारे काम मॉर्निंग से। सबसे पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद ही सोचूंगी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है। खाना खाना खाना। तुमको क्या हुआ छोटू, तुमको ठंड नहीं लग रही है क्या? ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इसका मुंह कितना प्यारा लगता है। ये सबसे मेरा क्यूट बेटा है, ये सबसे क्यूट बेटा है। ओए ओ चुकवा, ओ चुकवा, देखना खेल गया, ये देखिए खेलता है, ये काटेगा इसको, शैतान मेरा बच्चा। अभी देर है, रुको अभी देते हैं। तुम्हारा कहाँ गया खाना? जाओ खाना खाओ, जाओ। ब्लेट कहाँ है तुम्हारा? नहीं है, खत्म। ये छुपा के आया होगा कहीं, मुझे पता है, ये बहुत शैतान है। पहले ब्रेड लेगा, जाके छुपाएगा, उसके बाद फिर एक और लेके जाएगा, फिर खाएगा। चलो ये लो। नहीं मिला, और तुम्हारा हाथ कहाँ चाट रहे हो? ये ले ले, ये देख, ये देख, ये देख, उधर देख, उधर। अरे ले लिया मेरे बच्चे ने तो। देखिए यहाँ गया छुपाने, अब वहाँ जाएगा छुपा देता है। देखिए 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 देखिए, अब खा रहा है। क्या हुआ, मोमो कर रहे हो? अच्छा ये कर रहे हैं इन लोग। देखिए देखा देखा, ये बहुत शैतान लड़का है, ये एक नंबर का शैतान लड़का है। ये पहले जाएगा छुपाएगा, उसके बाद मेरे साथ पहले खेलेगा, उसके बाद फिर जाएगा खाएगा। मेरा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, बहुत क्यूट बच्चा है। देखिए देखिए देखिए, ये इनको खेलने के मूड में, इनको खाने के मूड में नहीं है। ये सब तेरे भाई खाना खा लेंगे तो खेलते ही रहेगा। खत्म। ये देखिए मैंने पोहा बनाया है। वैसे मैं पोहा बहुत पसंद करते हैं मुझे, बट काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया, 15-15 दिन हो गए मैंने पोहा नहीं बनाया था। चाय मेरी। और से देखिए इस आदमी को, इन्हें रेजोल्यूशन लिया था एक्सरसाइज करने का, और बज रहे हैं 8, और 8 बजे ये बंदा भी क्या कर रहा है, ब्रश। अच्छा ब्रश करते करते ये जो है मिस्टर एक्सरसाइज करेंगे, वाह वाह वाह। मिस्टर बीन ने देखा कैसे एक्सरसाइज करता है, मिस्टर बीन का हाँ। मोटोपा हो गया, डन डन। चलिए जल्दी इसकी नाश्ता देती हूँ। खाना दे दो मुझे, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ठंडी लग रही है। खाना तू नाश्ता, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ठंडी लग रही है। बंदा बिस्तर भी नहीं तहाता है, ये नहीं कि एटलीस्ट जो उड़ते हैं उसको तहा दे, पूरे दिन खुली रहेगी रजाई उसे भी बैठने के लिए। कितनी ठंड लगती है। अच्छा आप लद्दाख उद्दाख जाने के लिए कहते हो, कैसे जाओगे? मैं जा सकता हूँ, तुम नहीं जा पाओगी। हाँ तो दिख रहा है कौन जा पाएगा, मैं एकदम लल्लन टॉप बनी हुई हूँ। चलिए नाश्ता कीजिए, आती हूँ मैं। फ्रेंड्स आज बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा ही कोहरा भरा है। ये देखिए कोहरा कितना ज्यादा, और मुझे देखिए मैं डाकू हसीना बनी हूँ। मोनू जी जरा ऐसा लग रहा है इनके अंदर किसी ने यार भर दी है, कितनी जैकेट पहने। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स ऑफिस। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। कोहरा देखिए कितना ज़्यादा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से आ गई हूँ और बस मैंने सारे काम कर लिए हैं, फ्रेश भी हो गई हूँ मैं। और मोनू जी आ जाएं, उसके बाद में मैं फिर सोचूं डिनर में क्या बनाना है।
और फ्रेंड्स आज बहुत ठंडी है, मतलब मैं रोज ही हर ब्लॉग में बोलती हूँ आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, बट मैं क्या करूँ, जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ रोज मुझे फील होता है कि आज ज़्यादा ठंड है, बस मैं वही आप लोग को भी बताती हूँ, बट सीरियसली आज ज़्यादा ठंड थी बिकॉज आज संडे था और मेरा ऑफिस 10:30 का होता है, सैटरडे एंड संडे वीकेंड पे 10:30 का होता है, और मैं 10:15 पे घर से निकली थी, तब भी इतना कोहरा था कि बिल्कुल दिख नहीं रहा था 10:30 बजे के आसपास। सो और ठंड भी बहुत थी, तो आप लोग प्लीज़ बच के रहें ठंड से। और जस्ट मैंने बर्तन धुले हैं क्योंकि तो मेरा ये पूरा भीग गया था, पता नहीं कैसे भीग जाता है। सो बस मैं बैठी हूँ कि देख लो इसको जो है, तब तक मोनू जी भी आ जाएंगे, फिर वो बताएंगे डिनर में क्या बनना है, फिर मैं बनाऊंगी। और बाकी दिन मेरा अच्छा रहा, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, कोई भी मेरे ब्लॉग में कमेंट नहीं करता है फ्रेंड्स, कुछ भी आपकी क्वेरी हो या फिर कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या किसी चीज़ की रेसिपी चाहते हो, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट हाँ मोस्टली चीज़ें मैं बना लेती हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए कोई सजेशन देना है प्लीज़ कॉमेंट किया कीजिए, मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, मोनू जी भी आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कॉमेंट वगैरह किया कीजिए। और अगर जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली में ऐड होइए। मोनू जी आ गए, सो मोनू जी कैसा रहा दिन आपका? बहुत बढ़िया सर, हीटर बेस्ट डाला। कह रहे हैं सारे हीटर बेस्ट डाला। इतनी ठंड पड़ी कि सारे हीटर बिक गए, नया माल मंगवाइए। और आज शहनशाह जी क्या खाएंगे डिनर में? आज जाना है भैया। कहाँ? बताया था आपको। ओह माय गॉड, आज मनोजी को कहीं जाना है फ्रेंड्स, तो बस मुझे अपने लिए कुछ बनाना है, तो कुछ बनाना क्या है, मैं आज बहुत दिन से मैगी नहीं खाई हूँ, मैं आज गर्मा गर्म मैगी खाऊंगी। फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ये एक पैकेट मैगी, और मैंने देखी कितने ढेर सारे वेजीज कट किए हैं, एकदम वेजीज भरी मैगी जो हेल्दी भी रहे। ये पानी में मैंने सारी वेजीज डाल दिया है बॉयल होने के लिए, अब ये बॉयल हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसमें मैगी मसाला और मैगी डालते हैं। वेजिटेबल्स बॉयल हो रही है, इसमें थोड़ा सा मैंने बटर भी डाला है बिकॉज ऑयल में कुछ मैंने फ्राई नहीं किया था, इसलिए थोड़े से पनीर रखे थे मैंने वो भी डाल दिए। अब देखिए हेल्दी मैगी मेरी बन के रेडी है फ्रेंड्स, बन गई मेरी मैगी, और मैंने एक एग फ्राई भी बना लिया बिकॉज डिनर यही करना था। चलिए खाते हैं फिर, ठंडी और मैगी की बात ही अलग है। सो यमी, इसमें मैगी कम है, बहुत वेजिटेबल्स हैं, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। बहुत गर्म है। मोनू जी तो अपने फ्रेंड के यहाँ गए हैं, उनके यहाँ कोई फंक्शन था, डिनर था, तो मैंने अकेले के लिए मैगी बना ली वेजिटेबल्स डाल के, ठंड में और कुछ बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मैगी खाते तो मैंने सोचा एक एग फ्राई भी बना लेते हैं, हेल्दी हो जाएगा थोड़ा।